भाई आपके लेफ्ट में यहाँ पर यहाँ पर इस तरफ शायद बोल की माये राकेश फाइट कर लेते हैं मैडम इस तरफ आइए आइए सब लोग इस तरफ मैडम ये साइड आ जी थोड़ा सा ये साइड आइए ना विजुअल लेना था मैं अभी आइए ना सेंटर में आइए थोड़ा अब बीच में आइए राकेश भाई वो चला ही ना हाँ परफेक्ट परफेक्ट मैम यहाँ पे है यहाँ पे यहाँ पे सर यहाँ देखिए सर मैम यहाँ देखिए थैंक यू सर मैम यहाँ देखिए लुक यार यहाँ सामने देखिए लुक जस्ट लुक यार वन सेकंड वन से होल्ड ऑन सर यहाँ पे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गाना विजुअल छाते के बारे में ओनली विजुअल थैंक यू और हाउ इज इट गोइंग बाकी गुड हाउ इज द टीम ऑल गुड ऑल सेम प्रोसेस नथिंग यू सी दिस इज हां सिटो कंपेयर यू सम हां बट आई डोंट नो दैट मोदी नहीं किया फॉर सम रीजन ये ले विशाल विशाल ये प्रॉब्लम आई डोंट नो दिस सीकर गाना ये परसों आया अच्छा वो तो फिर भी ओके ये तो फिर थोड़ा बेटर है उससे यार अब मोदी मोदी के बाइक लेके आ रहे हैं
आपके आगे काफी लोगों ने जो देखा, हाँ जी, रिस्पॉन्स आपको मिला इस क्राउड से? आई थिंक एक क्राउड नहीं, सबने मुझसे यही कहा है कि ट्रेलर इज रियली नाइस, इट्स लुकिंग लाइक अ फन फिल्म. जो मुझे जो भी ट्रेलर देख रहा है वो कह रहे हैं एक्चुअली हमारी फिल्म है ऐसी, इट्स फन एंड इट्स रियल एंड इट्स अ स्वीट ओल्ड स्कूल बॉलीवुड रोम कॉम, दैट्स व्हाट आई कॉल इट. सो आई होप कि लोगों को पसंद आए. दैट्स व्हाट आई, योर मॉम वाज आल्सो देयर, उन्होंने क्या कहा ट्रेलर देख के? शी वाज वेरी हैप्पी, शी वाज वेरी हैप्पी, शी टोल्ड आई थिंक दैट. उन्होंने मुझे भी यही कहा है कि द ट्रेलर इज लुकिंग रियली गुड एंड इट्स लुकिंग लाइक अ फन रियल फिल्म. और आई थिंक हमें इतना मजा आया, सो मच फन मेकिंग दिस फिल्म के वो दिखता है ट्रेलर में. एंड आई थिंक वैन यू हैव फन डूइंग समथिंग इट कम्स आउट लाइक ऑनेस्ट एंड रियल एंड जस्ट. सो आई होप दैट एवरी वन ऑल्सो फील्स दैट कनेक्शन दैट वी फेल्ट टू आर कैरेक्टर्स टू द स्क्रिप्ट एंड स्टफ लाइक दैट. व्हाट इज द वन मैसेज दैट दिस फिल्म इज गोइंग टू गिव टू द सोसाइटी फॉर ऑल द पीपल हु सेज अबाउट अबाउट द कंटेंट? मैंने कंटेंट देखा, मेरे को काफी अच्छा लगा, कोई ऐसा मैसेज? सो आई थिंक ये हमारी फिल्म एक लव स्टोरी है, बट एक मैसेज उसमें ये कह रहा है कि इफ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ too much, if you have to change yourself as a complete change to yourself के कोई आपको accept करे तो वो real प्यार नहीं है. अगर आपसे कोई actually में प्यार करता है तो उसे आपको आपके लिए accept करना चाहिए. and I think that's important because हम with all the glamour and all that हम इतने घूम जाते हैं उसमें कि हम जो real emotion है उसको कहीं खो देते हैं. और ये film I think इस बारे में बात करता है. शायद भाई से कुछ suggestion लिया आपने इस movie को लेके, कुछ उन्होंने कहा during on and off the shoot? नहीं नहीं, ऑन एंड ऑफ द शूट तो हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई. जब मैंने उनको टीज़र ट्रेलर भेजा था तो उन्होंने मुझे बहुत सारे विशेज़ भेजे एंड ही सेड इट लुक्ड रियली नाइस एंड ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म. थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस. आई थिंक द ट्रेलर इज़ अमेजिंग, इट्स वेरी फन, वेरी क्वर्की. और यू नो ट्रेलर में इतना मज़ा आया तो आई एम श्योर कि जब हम पूरी फिल्म देखेंगे वो इतना मज़ा आने वाला है. इट्स गोइंग टू बी लाइक अ वेरी जॉयस राइड एंड इट हैज़ अ वेरी लाइक अ सेंसिटिव मैसेज इन अ वे, बट ऐसे थोपने की कोशिश नहीं की. आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग बिकॉज आजकल आपको कुछ कहना है तो आप बहुत प्यार से कह सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलता. यू नो लाइक यू डोंट हैव टू लाइक लिटरली बॉम्बार्ड एवरीवन विद अ मैसेज एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. So I honestly loved the trailer. And what do you think, what was the best part of it? Everything. I think you know, can I just say Supriya ma'am and Sana? Yes. I think number one pe Supriya ma'am, matlab unki jo do teen moments jahan par wo dikhi hai aur kahin aapka dhyan jayega hi nahi, you know, uske baad bhi aap unke bare mein sochoge, like that impact that she has I think is amazing. And Sana, I just told her that her smile is very 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 beautiful and like very genuine and I think she's killed it. आपको क्या लगता है किस तरह का मैसेज जाएगा सोसाइटी में मूवी देखने के बाद? मुझे ऐसा लगता है सब लोग थिएटर से बहुत खुशी से बाहर निकलेंगे. दैट्स व्हाट आई फील एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. सब एंजॉय करेंगे एंड येट सबको एक बहुत प्यारा सा मैसेज मिलेगा, विच इज़ यू नो आप अपने पार्टनर के लिए कितना भी मतलब ऐसे आपको किसी के भी लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, लाइक कि हाँ मैं पूरी ही बदल जाऊँगी इसके लिए सो दैट ही लव्स मी. नो इट शुडंट वर्क लाइक दैट, इट हैज़ टू बी लाइक अ म्यूचुअल एफर्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड इट इज़ हाउ यू सी कि आप दोनों कैसे कंपैटिबल हो सकते हो, कितना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो. सो एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप राइट. ट्रोलर्स को भी एक मैसेज जाएगा इसको लेके और आप कैसे? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं तो ध्यान नहीं देती बट बॉडी शेमिंग इन एनी वे इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड ऑनेस्टली इंटरनेट पे ना इतना एक्सेस मिल गया है सबको तो किसी को अंदाज़ा नहीं लगता है कि हाँ जिसके लिए आप लिख रहे हो उस पर कितनी कितना बुरा इफेक्ट होगा, है ना. सो आई एम श्योर वो लोग कुछ सीखे एंड कुछ लोग ऐसे ही घर बैठे बैठे कुछ भी लिखते रहते हैं. सो इट्स अ बिग एक होता है ना क्या बोलते हैं आप उनके मुँह पर एक ऐसे थप्पा है टाइप्स. इसके अलावा लास्ट सॉन्ग आपका काफ़ी अच्छा गया था, आने वाले समय में किस तरह के नए प्रोजेक्ट देखने मिलेंगे आपने? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा कुछ नया करूं, हमेशा कुछ डिफरेंट करूं एंड सबको एंटरटेन करूं, तो वही कोशिश हमेशा जारी रहेगी. थैंक यू सो मच. सो मेरी
एक्चुअली माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज माय डेब्यू फिल्म एंड थ्रू आउट माय लाइफ मैं और मेरी फैमिली हमेशा टीवी पे मूवीज एंजॉय करते थे सो इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट बिकॉज नाउ आई एम कमिंग इन अ फिल्म सो एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड एंड दे लव्ड द ट्रेलर बिकॉज द फिल्म आई मीन द ट्रेलर मेक्स द फिल्म लुक क्यूट एंड अ फैमिली एंटरटेनर So we all are looking very forward to it and I can't wait for it, keeping my fingers crossed. I hope you all like this film because we all have put in our really like our heart and soul into it. It's a labor of love. So I hope you enjoy it. And talking about film, how was your experience working with Sana and all the stars? So Sana is a very, very sweet person. Coming from the family that she does, I did not expect her to be so humble and grounded. But she was very nice and very sweet. And it was a lot of fun shooting with all of them. Like, we all had a lot of fun on set. So, thank you. Thank you. Cheers. Bye bye. Really, that's amazing. I think I'm very excited क्योंकि ट्रेलर एक्चुअली में जितने भी लोगों ने मुझसे बात की है जो कुछ घंटों में काफी लोगों ने मुझे कहा हमने आपका ट्रेलर देखा और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एक्साइटमेंट हो रही है नर्वसनेस हो रही है मैं खुद बहुत लाइक देखना चाहती हूँ फिल्म मैंने भी इतने टाइम में देखी नहीं है सो इट्स ग्रेट एंड बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब जैसे आस पास के वो लोग जैसे मेरे बिल्डिंग के जो वॉचमैन है उनने मुझसे कहा कि उनने देखा है और उनको अच्छा लगा और फिर मैं एक मीटिंग पे गई थी जो एक कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर थे उनके साथ बात हुई उनने कहा अच्छा लगा सो इट्स वेरी नाइस टू सी कि बहुत अलग अलग हर सबको रिलेटेबल लग रही है सिंपल लग रही है स्वीट लग रही है विच आई थिंक हमारी फिल्म है सो दैट्स रियली नाइस अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को पता है कि सरोज कैसी है मतलब बेमतलब की बॉटल उठा के सर पे मार देना मतलब बेमतलब तो नहीं पर वैसी है मेरी जैसी बिल्कुल नहीं लेकिन कैरेक्टर वही है स्वीट है नॉर्मल है जो है उससे खुश है और ये मेरा कैरेक्टर तो मैं इतना बताओ अरे तो बेसिकली आई एम प्लेइंग मैं एक जिम ट्रेनर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं जो ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा कि मेरा क्या आर्क है फिल्म में बट वंस यू क्लोज आइए ना वंस यू वॉच द फिल्म वंस यू वॉच द ट्रेलर्स एंड फिल्म्स एंड अदर सॉन्ग्स तब थोड़ा और आइडिया होगा कि हमारे बीच में क्या चल रहा है तो इट बी बेटर अगर आप फिल्म देखो और मेरे कैरेक्टर के बारे में और जाने उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर क्या लगा और आपको क्या लगा आप बता बट हाँ शूट करते वक्त हमें बहुत मजा आया तो हाँ इतना कह सकते हैं कि कैरेक्टर बहुत सही है एंड आई होप यू रिलेट टू इट यू कनेक्ट विद इट And you guys like it. And real hai, you know, matlab at least mujhe aisa laga ki hamare characters normal, real log hain, jo aas pass ke shehar ke andar mil sakte hain. Haan, exactly. So that's our character. Mujhe lagta hai jo is film ki jo achhi quality hai, wo ye hai ki ye किसी प्रिटेंस के अंदर आप न रहो ये बताती है और ये कहती है कि आप जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो वैसे ही अच्छे हो वैसे ही रहना चाहिए हम जो ये प्रिटेंसेज आजकल करने लगे हैं हम जो ये ऊपरी चीज़ें और भेदभाव करने लगे हैं वो नहीं होना चाहिए और मैं मानती हूँ इस चीज़ को लेकर और बहुत सॉलिडली मानती हूँ कि प्रिटेंस के बगैर रहोगे तो ही खुश रहोगे जो हमारी फिल्म कहती है मैम क्या सना आपसे कुछ सजेशन लेती है जब कोई फिल्म करना हो सना अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग इंडिविजुअल है और मैं बहुत डरती हूँ सना से मैं कभी कुछ नहीं कहती किसी को मतलब वो ठीक वो जानती है वो क्या करना चाहती आजकल के बच्चे कोई माँ बाप का सुनते हैं क्या कि वो ये सुनने लगी ट्रेलर देखा है फिल्म किसी ने अभी तक देखी नहीं है मॉम ने भी नहीं देखी है बट जिन्होंने भी ट्रेलर देखा उनको ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वही है कि एक ओल्ड बॉलीवुड स्वीट रोम कॉम वाली जो वाइब है इट्स लाइक अ बैक टू द ओरिजिनल काइंड ऑफ अ थिंग जो फीलिंग सबको आ रही है तो सब यही कह रहे हैं अभिषेक जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और थोड़ा सा बताइए कि मेरा तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जो कैरेक्टर्स हम लोगों ने बहुत परेशान किए ना यार बहुत परेशान किए शूट में जो कैरेक्टर्स लिखे थे ऐसा लग रहा था कि रियल में वही है तो कुछ हमें मतलब बदलना नहीं पड़ा कुछ समझाना नहीं पड़ा सब फ्लो में चलता गया मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मैं एक्चुअली सिर्फ खाता था समोसे
और एक्शन कट बोलता था. आई एम ग्लैड टू नो कि हमें ज्यादा टेंशन नहीं है. और फिल्म कब रिलीज होने वाली है अगर उस बारे में? 16 सितंबर को रिलीज हो रही है. यहाँ पे भी लिखा है, सब जगह लिखा है 16 सितंबर. आप सब थिएटर में आएंगे और अभी प्लीज जाइएगा देखिएगा. प्लीज देखिएगा. टीम ने तो कह दिया है कि बहुत सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन आज का जो सिचुएशन चल रहा है जो देश में फिल्म को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इसलिए आप ही क्या राय है? बिकॉज द फिल्म इज ऑल्सो गोइंग टू रिलीज ऑलमोस्ट इन द सेम दिस थिंग. मुझे ऐसा लगता है आजकल लोगों को इंटरेस्टिंग कंटेंट मिले और कहानी अच्छी हो, परफॉर्मेंसेज अच्छे हो, तो वो ऑडियंसेस लेने के लिए रेडी है. पर अलग कहानियाँ चाहिए, अलग सिचुएशंस चाहिए उनको. जो मुझे लगता है इस फिल्म में इसकी खूबसूरती ही ये है कि बहुत फ्रेश है, बहुत नई, मतलब ऐसा देखा नहीं पहले, और वो एक USP बन सकती है इस फिल्म की, और आई एम श्योर बनेगी. और स्वीट फिल्म लग रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही, कोई फैमिली के साथ आप देख सकते हो, और फिर भी कुछ कहती है. वो मुझे लगता है आजकल की ऑडियंसेस चाहती है कि कुछ नया देखे, क्योंकि इतना वाइड स्कोप है ना आजकल. आप कहाँ कहाँ की फिल्में, कहाँ कहाँ के शोज, कहाँ कहाँ की चीज़ें इतनी सी चीज़ पे देख सकते हो. तो वी आर नॉट कम्पीटिंग विद आवरसेल्व्स, वी आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड राइट नाउ. एंड समथिंग विच इज़ जेन्युइन, विच इज़ रियल एंड विच इज़ ट्रू ऑलवेज वर्क्स. सर इम्पैक्ट मुझे लगता है कि हमारा तो काम है अपना करना, हमने करा है. अब ऑडियंस के हाथ में, आप लोगों के हाथ में, प्रेस के हाथ में है और आम जनता के हाथ में. उसको अगर समझ में आता है तो वो लेती है, नहीं समझ में आता तो नहीं लेती है. उसमें कुछ हम कर नहीं सकते. मतलब हम जेन्युइनली फिल्म बना सकते, हम सिर्फ अपने इंटेंशंस क्लियर रखे, अपनी स्क्रिप्ट को संभाल के, कि हमें पता है हमें क्या कहना है नहीं कहना. हम अगर पेपर पे करेक्ट हो जाएं तो मुझे लगता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है. जो हमारी फिल्म भी है, यू सर्टिफिकेट मिल गया हमें, अच्छी बात है. यू सर्टिफिकेट आजकल कम फिल्मों को मिलता है, तो हमारी फिल्म भी उनमें से एक है. मैम आपसे आज चाहिए सुप्रीम में एक लंबा दौर आपने तय किया है, फिल्मों में सीरियल्स में सीरियल्स थे और फिल्मों में अभी भी आप आ रही है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है. क्या लगता है एक लॉन्ग जर्नी के लिए क्या जरूरी है एक एक्ट्रेस या एक एक्टर के लिए? मेहनत करना मेरे हिसाब से. आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, आप जब तक नई चीज़ और अलग चीज़ों को नहीं परफॉर्म करोगे, तो आप ही खुद स्टे हो जाओगे, खुद ही बोर हो जाओगे, तो ऑडियंस को क्या इंटरेस्ट. थैंक यू. जानना चाहूँगा क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और थोड़ा सा बताइए हमें फिल्म के बारे में, ऑडियंस को क्या देखना. सी, इट इज़ अ वेरी कूल कॉन्सेप्ट. मतलब इट हैज़ बिन माई जर्नी, यू ऑल कैन सी मी, इट हैज़ बिन माई जर्नी थ्रू एंड थिन कि मे आई हैव फेस्ड ऑल दिस. And that's how we decided upon the script also. So it is fresh, it is nice, everybody is liking the trailer so much. Expectations se zyada acha lag raha hai sabko, which is a really positive thing for us. So let's see, let's hope achi film lage sabko. Aaj aap log sare songs bhi sunenge. I hope you all will enjoy. मुझे लगता है जो भी जर्नी होती है वो किसी ना किसी तरह से पॉजिटिव वे के अंदर कन्वर्ट होती है. तो मुझे लगता है जो भी हुआ होगा इस दौरान, हम लोग डिले हुए, कोविड आया, जो भी हुआ वो सब अच्छे के लिए ही होगा हमारे, और यही सोच के हम लोग आगे बढ़ गए हैं और अब फाइनली थिएटर्स पे आ रही है फिल्म. हम यही सोच रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए. सी, हम लोग एक ये फिल्म तो हमारी आई रही है 16 सितंबर को. एक मैंने अरशद वारसी मेहरविज के साथ एक फिल्म करी है बंदा सिंह, पोस्टर रिलीज हो चुका है अगर आप लोगों ने देखा तो, वो भी इस साल एंड तक आने वाली है फिल्म. उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर है वो फिल्म भी, तो वो भी अब रिलीज पे है बहुत जल्दी, जो डायरेक्टेड बाय माय मी अभिषेक सक्सेना. लाइक
मूवी नहीं देखी अभी पूरी, बट आई वॉज देयर ऑन द शूट ऑफ कोर्स. ट्रेलर हमने बहुत दिल से काटा है सबके लिए, हमें पता है इतना फ्रेश कॉन्टेंट है. वी रियली वॉन्ट टू पुट इट टू एवरीबडी हियर कि आप सबको भी अच्छा लगे वो कॉन्टेंट. इट्स आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू द थिएटर्स टू वॉच अ फिल्म, बट अगेन हैप्पी चीज़ें होती हैं, अच्छा लगता है किसी को. ऑफकोर्स हम भी जा रहे हैं थिएटर, सब जाएंगे. So I just request to everyone that please go watch. It's a mehnat done by all of us. You all should appreciate. It's a beautiful family film. नहीं बस यही है, चैलेंजिंग टाइम है डेफिनेटली, जिसमें हमारी कोशिश है कि एक ऐसी फिल्म हम लोग लेकर आए जो लाइट हार्टेड हो, ठीक है. एंड ऑफकोर्स हमारी पहली फिल्म है एंड आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जैसा टाइम चल रहा है आपको पता है कि फिल्में बहुत कम वर्क कर रही हैं, तो ऐसे टाइम में ऐसे माहौल के अंदर एक स्वीट फैमिली फिल्म जो पूरे परिवार बच्चों से लेके बड़े तक जो चाहे वो देख सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के, और कुछ ना कुछ कह के जाएगी, मैसेज दे के जाएगी. फिर आज आप सब ट्रेलर देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं. थैंक यू. मैं बहुत एक्साइटेड थी, काफ़ी टाइम से हमने रिकॉर्ड किया हुआ था गाना एंड आई वाज रियली वेटिंग कि कब बाहर आएगा. बहुत सारी रीजंस हैं, एक तो इतनी प्यारी सी फिल्म लग रही है ऑलरेडी ट्रेलर से, और इसका नाम ही बहुत अच्छा था. सो आई वाज होपिंग कि चलो वेडिंग सीजन के पास कहीं रिलीज़ होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एंड दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. ऑल्सो मीका बाजी के साथ मैंने गाया है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और इतने यू नो बड़े सिंगर, ही इज़ अ मेंटोर टू मी, और उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनकी बहुत सपोर्ट रही है. बट अभी तक कोई गाना उनके साथ नहीं आया था, सो ये शुरुआत हुई है. एंड उसके अलावा पल्लो लटके, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला है मेरे गाने को, उसी के मेकर्स कंपोजर्स जैन सैम और रईस ने इस गाने को बनाया है वापस से. तो आई होप पल्लो लटके जितना प्यार या उससे ज़्यादा प्यार आप लोग उसे दें. एंड फिर लिखा है सोनू सग्गू पाजी ने, जो कि इज़ लाइक अ ब्रदर फिगर टू मी. सो बहुत बहुत खुशी हो रही है इस फिल्म के साथ. या आई वुड लव टू सिंग एंड सिचुएशन मुझे एग्जैक्टली खुद नहीं पता, आज आपकी तरह मैंने भी आज ही वीडियो देखा है पहली बार. सो हम लोग साथ में देखेंगे होपफुली कैसा प्लेस किया गया है गाना. बट द वीडियो इज़ लुकिंग रियली नाइस, आई एम रियली हैप्पी हाउ इट हैज़ बीन शॉट. पूरा डांसी वाइब है. सो आगे आने वाले जिसके भी शादी संगीत वगैरह के लिए शॉर्ट हो गया आई थिंक ये गाना, सो आप लोग डांस कर सकते हैं इस पर. एंड द सॉन्ग पाजी के बिना थोड़ा अधूरा लगेगा, ड्यूएट है तो मैं अपना पार्ट लेकिन गा देती हूँ. फेस वेख अपना ही चक्कर चलाइंदा वे सोने तेरे जेहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहिंदा, तेरे जेहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहिंदा, तेरे जेहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहिंदा, तेरे जेहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहिंदा. देखिए सबसे पहली बात, हमारे बहुत अच्छे दोस्त अभिषेक सक्सेना की फिल्म है, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो इसी बात की है कि हमारे दोस्त की फिल्म आ रही है. एंड आई एम श्योर कि उसने बहुत अच्छा काम किया है. वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इससे उसको और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो. एंड ऑल्सो आई फील कि जो ये टॉपिक जिस पर बनी है, इट्स अबाउट बॉडी शेमिंग, समबडी हु इज नॉट इन द आइडियल शेप जो सोसाइटी को लगता है, तो आई थिंक काफ़ी रिलेटेबल है इन द होल सिनेरियो हमारी कंट्री में. सो काफ़ी रिलेटेबल है आई थिंक. सो आई थिंक इट्स बी वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक बॉडी शेमिंग को लेके भी बहुत सारे सोशल मीडिया ट्रोल्स होते हैं, आप लोग कैसे हैंडल करते हैं सोशल मीडिया ट्रोल्स को, अगर उस बारे में कुछ बताएं. आई थिंक सिर्फ इग्नोर करना चाहिए और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. सी सबका अपना बॉडी टाइप होता है जो ऊपर वाले ने दिया होता है, आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट इट वेल. लोग तो कहते रहेंगे, सोशल मीडिया तो बोलते ही रहते हैं, जो खुद को ठीक लगता है वो ठीक होता है. थैंक यू. मेरा रिश्ता तो हो नहीं रहा, तो मैं एक्साइटेड हूँ सरोज का रिश्ता देखने के लिए. सो अभी ट्रेलर लॉन्च है तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म. 16 सितंबर को आ रही है. यार एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं और होनी भी चाहिए. वो कह रहे साथ में दो भाई. हाँ. एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं और होनी चाहिए, और फ्रेंड्स की फिल्म है जो डायरेक्टर हैं और अभिषेक उन्होंने बनाई है, और गौरव और बाकी सारे फ्रेंड्स हैं. तो बहुत ही फ्रेंडली फिल्म है. बहुत ही फ्रेंडली फिल्म है और देखते हैं रिश्ता किसके साथ होता है क्या होता है. यार बढ़िया है, मैंने तो ट्रेलर देख लिया है. आप लोग भी? हाँ. अरे मैंने पहले देख लिया तो आप लोग भी देख लो, बड़ा अच्छा ट्रेलर है, मज़ेदार ट्रेलर है. और मैं भी इस फिल्म में एक रोल करने वाला था पर भी हाँ चीज़ें नहीं हुई, बट ठीक है. बट आई एम हेयर टू सपोर्ट अभिषेक सक्सेना साहब
एंड इट्स अ फन फिल्म यार, देखो सब लोग। आपके बता दो ना पहले। नहीं आ रही है, दो तीन फिल्म आ रही हैं अभी, एक की है मैंने वाइल्ड वाइल्ड पंजाब है, फुकरे 3 है, ड्रीम गर्ल 2 है, तो ऐसे ही हैं बाकी। वाह, मेरी गुमराह यार आदित्य रॉय कपूर के साथ, और गिल्टी माइंड्स 2 आएगा वो, लेकिन अभी टाइम है उसमें, और एक दो म्यूजिक वीडियोस आ रही हैं। ये देखो, थैंक यू, थैंक यू। जस्ट 1 मिनट या सरोज का रिश्ते में किस तरह का म्यूजिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर उस बारे में कुछ बताना या सरोज को रिश्ते के, मैंने दो ट्रैक सुने जो रिसेंटली रिलीज हुए हैं, और अभी मैंने जो गाना लिखा है वो भी, वो तीनों गाने बहुत अच्छे गाने हैं एंड स्टोरी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इट्स अ वेरी गुड म्यूजिक इन द फिल्म। आई एम एक्साइटेड कि किस तरह का रिजल्ट आता है, क्योंकि गाने अच्छे जा रहे हैं, पब्लिक को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। अच्छा, अभिषेक जी की तरफ से क्या ब्रीफ था? यार अभिषेक जी की तरफ से ब्रीफ स्टोरी, मतलब वो पूरे नरेट करते हैं, हम लोग जब बैठते हैं, तो अभी नेक्स्ट फिल्म भी उनकी आ रही है, तो उसमें भी हमारा एक वो था, तो पूरा एक गाना कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या उसके पीछे स्टोरी है, इमोशंस है, तो एक एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ से गाना शुरू होगा, यहाँ उसको जाना है, देन फिर उसको जो इमोशंस, क्योंकि मुझे जो गाना दिया जाता है मैं उसको एज अ हीरो खुद को समझ के ही मैं लिखता हूँ, तो इसमें भी मैंने वही किया कि जो इमोशंस हैं, जो दर्द है उस गाने का, जो स्टोरी को नरेट करता है, वो पूरा डालने की पूरी कोशिश की है, और गाना बहुत जल्दी अभी आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के इमोशन से गाने हुए। अभी लाइगर है, लाइगर में है, बाकी आगे भी कई फिल्में हैं, अभी एक फिल्म ख़त्म हुई है जस्ट, अच्छे गाने चल रहे हैं एक फिल्म के भी, तो वो थी, नेक्स्ट हैं कई फिल्में हैं, कुछ धर्मा की फिल्म्स हैं, कुछ टी सीरीज़ की हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। या मोस्ट वेलकम।